का करें जमीन बताना तो क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू नहीं टॉपिक नहीं लिखेंगे टॉपिक मैट्रिक्स है मैथमेटिक्स थ्री पॉइंट टू अच्छा मैट्रिक्स डाल ठीक बस हमारे बच्चे की अपलोड हो जाती है वो अपलोड हो जाए उसके बाद प्रोसेस तो टाइम टाइम लगेगा करें इधर देखो स्टार्ट करें ना करें पहले रुक मैं राजपाल सिंह सब्जेक्ट बायोलॉजी टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एल्गी एंड अदर प्लांट्स तो एल्गी कहते हैं शैवाल को जलीय पौधे होते हैं जिनमें कोटि के पादप होते हैं अतः शैवालों में तीन प्रकार से जन्म होता है फर्स्ट आइसोगैमस टाइप समयुग्मजी कहते हैं समयुग्मजन इसमें जो युग्मक होते हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं और समान व्यवहार के होते हैं जैसे यूरोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह में दूसरा जन्म प्रकार का जन्म होता है आइसोगैमस टाइप अर्थात असमयुग्मकी ये इस प्रकार का जन्म काला और उभयलिंगी में होता है इसमें ये व्यवहार में तो समान होते हैं लेकिन इनका आकार में अलग अलग होता है एक बड़ा होता है एक दूसरा छोटा बड़े को मेगा युग्मक और इसको लघु युग्मक कहते हैं इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार के जन्म होता है उभयलिंगी का है इसे हिंदी में विषमयुग्मकी कहते हैं ये भी क्ले माइक्रोमोनास में तथा जिम्नोस्पर्म में होता है इसमें एक अचल युग्मक बनता है और दूसरा चल युग्मक होता है जो बाइफ्रेजुलेटेड होता है और जो छोटा होता है वो एक्टिव होता है बड़ा होता है वो इनएक्टिव होता है दोनों के संयोग से पुष्पोर बनता है युग्मज बनता है और अंत में नए पौधे का निर्माण होता है अगला है ब्रायोफाइट का जन्म ब्रायोफाइट्स ये ऐसे पौधे होते हैं जो नम भूमि वृक्षों छायादार स्थानों पर
नम दीवारों पर आ गया टंकियों टोटियों के नीचे उगने वाले मखमल के रूप में उगने वाले पौधे होते हैं। इनमें जनन के लिए निषेचन आवश्यक निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के पौधों में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर और मादा शाखाएं आगे होती हैं। नर शाखाओं पर कुंधानी जिन्हें एंथेरिडियम कहते हैं तथा मादा शाखा पर आर्चिगोनियम लगी होती हैं। ये आर्चिगोनियम उल्टे फ्लास्क के आकार की होती हैं। इनमें देखिए एंथेरिडियम मोटर के आकार की रचना होती है और इसमें इस टाइप के एंथेरिडियम पौधे होते हैं। ये एंथेरिडियम होता है दूसरी उसी से टॉपिक आर्चिगोनियम इसके चारों तरफ बहुकोशीय परत होती है। क्यों कल टेस्ट का हुई इसी तरीके से ये बस थोड़ा नर कहलाते हैं। इसी तरीके से उल्टे फ्लास्क के आकार की रचना आर्चिगोनियम होती है। इसमें पूरा हुआ भाग वेंट्रल कहलाता है। यहाँ पर की कोशिकाएं होती हैं। ये भी बहुकोश की रचना होती है। इसे नेक इसे बैंकुले हुए भाग को बैंकुल कहते हैं। इसमें एंथेरिडियम बनते हैं। इसमें अंगकोशिका होती है इसे एक कहते हैं और इन एंथेरिडियम और एंथेरिडियम के मिलने को निषेचन कहते हैं। इसके लिए जबकि आवश्यकता होती है और इसके बाद जाइगोस्पोर का निर्माण होता है दोनों मिलने से यानी एंथेरिडियम। और इधर से ये बाइक रेगुलेटरी रचना होती है और ये दोनों के इसको मिलने से निषेचन होता है और यहाँ पर जाइगोस्पोर बनता है। इधर देखिए और ये जाल
या नए ब्रायोफाइट्स पौधे का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये ब्रायोफाइट्स की जन्म होता है।